you <music> सो हेलो एवरीवन वेलकम टू अनदर वीडियो आज इस वीडियो में मैं आपको डबल कार्ड वैनिश सिखाने वाला हूँ इसमें क्या होता है कि इसमें आप दो कार्ड लेते हो और जो पहला कार्ड होता है उसको आप इंस्टेंटली वैनिश कर देते हो और जो सेकंड कार्ड होता है उसको आप स्लोली विजुअली वैनिश करते हो तो देखने में काफी अच्छा लगता है तो वीडियो में मैं आपको पूरा टेक्निक समझाऊंगा कि ये जो कार्ड वैनिश है इसको आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे तो वीडियो एंड तक जरूर देखना एंड अभी बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आगे बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ तो इस कार्ड वैनिश को करने के लिए आप पहले दो कार्ड सेलेक्ट करते हो तो यहाँ से मैं दो कार्ड सेलेक्ट करता हूँ कोई भी रैंडम दो कार्ड यहाँ पे मेरे पास किंग ऑफ क्लब्स है एंड सेवन ऑफ हार्ट्स से। है तो फिर आप क्या करोगे आप इन दोनों कार्ड को फेस अप करके डेक के ऊपर रखोगे एंड फिर आपको एक साथ तीन कार्ड लिफ्ट करना है जो दोनों फेस अप कार्ड है प्लस उसके जो नीचे का कार्ड है तो मैं ऐसे रिफिल करके को जिस तरीके से तीन कार्ड लिफ्ट करता हूँ अगर आप चाहो तो पिंकी काउंट भी कर सकते हो मैं सिंपली ऐसे रिफिल करके तीन कार्ड लिफ्ट करता हूँ एक साथ ठीक है तो यहाँ पे किंग ऑफ क्लब्स है सेवन ऑफ आर्ट्स है जो दोनों कार्ड हमने सेलेक्ट किया है और साथ ही साथ एक रैंडम कार्ड है जो कि फेस डाउन है तो आप क्या करोगे इसके बाद तीनों कार्ड लिफ्ट करने के बाद ये जो किंग ऑफ क्लब्स है इसको आप थम से को जिस तरीके से ट्रांसफर करोगे डेक के ऊपर एंड अभी ये जो सेवन ऑफ आर्ट्स है इसके नीचे और एक कार्ड है तो आप ये दोनों कार्ड को एक साथ करके कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ इंजॉक करके रखोगे अभी जो पहला वैनिश है उसको मैं आपको समझाता हूँ तो आप बेसिकली क्या करते हो ये जो सेवन है यहाँ पे दो कार्ड है राइट right? तो जो सेवन है उसको आप आपको जिस तरीके से लिफ्ट करते हो थम से एंड लिफ्ट करने के बाद आपका जो पिंकी फिंगर है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है ताकि आप यहाँ पे एक गैप मेंटेन कर सको ठीक है तो मैं सेवन को ऐसे लिफ्ट करके पिंकी फिंगर को इंसर्ट करके यहाँ पे गैप मेंटेन करता हूँ एंड फिर मेरा जो थम है वो क्या करेगा ये जो बॉटम का रैंडम कार्ड है ठीक है ये वाला कार्ड इसको कुछ इस तरीके से कॉन्टैक्ट करता है एंड आगे से ये जो फोर फिंगर है वो सिंपली क्या करेगा ये जो किंग ऑफ क्लब्स है इसको कवर करेगा और जब मैं कवर करता हूँ तब मेरा थम सिंपली ये जो कार्ड है इसको पुश कर देगा आगे की तरफ कुछ इस तरीके से तो मैं आपको समझाता हूँ मैं ऐसे कवर करता हूँ और थम को जिस तरीके से इसको पुश कर देता है एंड इससे क्या होगा जो पहला कलर मतलब पहला जो वैनिश है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वन मोर टाइम मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे दोनों कार्ड को जिस तरीके से मैं रखता हूँ इसको मैं लिफ्ट करता हूँ सेवन ऑफ आर्ट्स को एंड फिर ये जो नीचे का कार्ड है इसको मैं थम के मदद से ऐसे पुश करता हूँ एंड यहाँ पे आगे से फोर्थ फिंगर मैंने कवर करके रखा है एंड फिर पुश करने के बाद मैं उसको रिमूव करता हूँ और दिखाता हूँ जो पहला कार्ड है वो वैनिश हो चुका है तो इसी चीज को जब आप फास्ट करोगे ये देखने में कुछ इस तरीके का लगेगा तो मैं ऐसे शो करता हूँ फिर कवर करके कुछ इस तरीके से वैनिश को एग्जीक्यूट करता हूँ जो पहला वैनिश है अभी जो सेकेंड वैनिश है उसका बात करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास सेवन ऑफ आर्ट्स बचा हुआ है तो मैं क्या करता हूँ ये सेवन ऑफ आर्ट्स को कुछ जिस तरीके से आगे की तरफ रखता हूँ हर्ट्स तो को वैनिश करने के लिए मैं क्या करूंगा जिस तरीके से ये जो कार्ड है यहाँ पे फेस डाउन कार्ड है इसी को मैं ये जो पाम का ये वाला हिस्सा है ठीक है यहाँ से को जिस तरीके से मैं पुल करता हूँ एंड पुल करने के बाद मैं स्क्वायर अप कर देता हूं इसको डेक के साथ तो यहाँ पे आप सिचुएशन देख सकते हो ऊपर एक कार्ड आ चुका है सेवन अभी भी है तो ये चीज करने के बाद मैं को जिस तरीके से ये वाले एरिया को कवर करके मैं दिखाता हूँ कि सेवन जो है वो हाफ वैनिश हो चुका है एंड फाइनली मैं चार फिंगर्स को ऐसे आगे की तरफ करता हूँ एंड अभी मैं सिंपली क्या करूंगा इंडेक्स फिंगर की मदद से ये जो सेवन है इसको मैं पुश कर देता हूँ ठीक है जब मैं इसको कवर कर रहा हूँ ऑल राइट तो वन मोर टाइम मैं दिखा देता हूँ बाय द वे ये चीज़ करते वक्त आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब आप इसको ऐसे पुल कर रहे हो ना तो आगे की तरफ आपको ज्यादा पीछे नहीं आना है वरना ये जो किंग है वो दिख जाएगा तो आप सिंपली पुल करोगे एंड फिर यहाँ पे आप कवर करके रखे हो एंड फिर आप आगे की तरफ जाओगे कुछ इस तरीके से एंड जस्ट जब वो स्क्वायर अप हो जाएगा फेस डाउन कार्ड फिर आप आपको जिस तरीके से ऐसे टिल्ट करके सेवन को हाफ शो कर सकते हो एंड फिर कवर करके आपका इंडेक्स फिंगर इसको पुश कर देगा एंड आप जो है वैनिश को कंप्लीट करोगे ठीक है दोनों वैनिश तो वन मोर टाइम मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ तीन कार्ड मैंने यहाँ पे लिफ्ट किया हुआ है पहले जो फर्स्ट वैनिश है सेवन को मैं लिफ्ट करता हूँ जो नीचे का कार्ड है उसको आप सिंपली ऐसे पहले किंग को शो करते हो फिर आप कवर करके उस कार्ड को आप ऐसे पुश करते हो धमकी मदद से एंड फिर आप शो करते हो कि जो पहला वैनिश है वो हो चुका है एंड फिर सेवन को वैनिश करने के लिए आप ऐसे पाम से ये जो कार्ड है इसको आप ऐसे स्लाइड करके निकालते हो फिर आगे स्क्वायर अप करते हो एंड फिर आप ऐसे टेल्ट करके शो करोगे कि जो सेवन है वो हाफ वैनिश हो चुका है एंड अभी इसको फुल वैनिश करने के लिए आप इसको कवर करोगे जब आप कवर कर रहे हो तब इंडेक्स फिंगर इसको पुश करेगा एंड पुश करने के बाद आपको और एक चीज करना है कि जब आप पुश कर दोगे तो इंडेक्स फिंगर को आपको हटा देना है एंड फिर आप ऐसे वेव करके शो करोगे कि दोनों कार्ड जो है वो वैनिश हो चुका है ऑलराइट? राइट right? तो जब आप इसको फास्ट करते हो देखने में कुछ इस तरीके का लगता तो ये हो गया पहला वैनिश एंड फिर फाइनली द सेकेंड वैनिश और राइट ये है पूरा कार्ड वैनिश इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके ही परफॉर्म करना ठीक है क्योंकि इसमें काफी सारे स्लाइड्स का यूज होता है दो कार्ड आप वैनिश करते हो तो देखने में तो काफी अच्छा लगता ही है बट साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा प्रैक्टिस का जरूरत है इसको परफॉर्म करने के लिए एंड या दैट सेट अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना अभी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग